हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्वाड्रेटिक के अंदर कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स करते हैं। आज क्वाड्रेटिक को हम फिनिश कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स करते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल की प्रॉब्लम है, देखते हैं हम। सॉल्व फॉर एक्स, x square plus y square is equal to 74, x y is equal to 35, ठीक है? इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं और इसमें डाल देते हैं। This is x square plus 35 by x का होल स्क्वायर is equal to 74, तो ये ऐसे आ जाएगा, x square plus 35 का स्क्वायर upon x square. Equal to 74. So let substitution करते हैं, x square is equal to t. This is t plus 1225 by t 74. T square plus 1225 74t. यार यार t square minus 74t plus 1225 equal to zero. अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं हम। वन टू टू फाइव जो है उसको पहले देख लेते हैं एक बार, कैसे वन टू टू फाइव का बनता है। वन टू टू फाइव जो है प्रोडक्ट में 35 का स्क्वायर है, 7 × 5, 7 × 5 49, 25 49 + 25, 74 है। तो हमारे पास फाइनली हम इसको ऐसे बना सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 49t माइनस 25 प्लस 1225 इक्वल टू जीरो। टी कॉमन माइनस 25, टी माइनस 49 इक्वल टू जीरो। या टी माइनस 25, टी माइनस 49 इक्वल टू जीरो। तो ये वैल्यू बन जाएगी t इक्वल टू 25, t इक्वल टू 49, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू माइनस 5, y is equal to minus 7. प्रोडक्ट 35 है तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, ये आंसर हमारे पास बनता है ना। कोई भी इसमें x और y कोई भी ले सकते हैं, एक x एक y लेना है। सेकेंड अगेन सॉल्व फॉर x, 1 by x + 1 by y equal to 2, x plus y equal to, okay. कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई करो साथ साथ, फिर हम देखते हैं। x plus y square 74 था, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाली 35 by x का स्क्वायर कर दिया, x square plus 35 का स्क्वायर किया by x square equal to 74। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगी। उसको अवॉइड करने के लिए हम x स्क्वायर को t रखा, फिर क्वाड्रेटिक बनाई। क्वाड्रेटिक में हमने ये 1225 का प्रोडक्ट, तो ऐसे दो मेथड ऑफ ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज किया, तो उसके अंदर 49 और 25 आता है। यहां से हमने t की वैल्यूज निकाली थी, एक 25 एक 49। t हमने क्या लिया हुआ था, ये x स्क्वायर वो रखा है यहाँ पे, x की वैल्यू स्क्वायर रूट लिया प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7। इसका मतलब जब x 5 था तो यहाँ पे x को 5 रखते हैं अगर तो y आता है 7, x को माइनस 5 रखते हैं तो y आता है माइनस 7। सिमिलरली x को अगर आप 7 रखोगे तो y आ जाएगा 5, x को माइनस 7 रखेंगे तो y आ जाएगा माइनस 5। ठीक है,
है बेटा, इसको ट्राई कीजिए. फ्रॉम वन एंड टू, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. वाई की वैल्यू निकालिए, टू माइनस एक्स इसमें डाल देते हैं. टू माइनस एक्स प्लस एक्स, ये खत्म. या टू अपॉन में एक्स इंटू टू माइनस एक्स, ठीक है ना. ये भी कैंसिल. वन इज इक्वल टू एक्स, टू माइनस एक्स, 2x माइनस x, इधर आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3. देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया 1 एंड y इज इक्वल टू आ गया 1. ये आ गया हमारे पास, ठीक है. चेक कर लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो बताइए. Is it clear to everyone now? Okay. Simple था ये भी. आइए आगे बढ़ते हैं. Or what values of k? 4 minus k x square, 2k plus 4x plus 8k plus 1 equals to 0 is a perfect square. वैल्यू ऑफ की क्या होगी, दिस विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. इसका डी लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, डी की वैल्यू है 0, नहीं सॉरी परफेक्ट स्क्वायर होता है. डी को ओपन कर लेते हैं पहले, क्या आ गया, फोर यहाँ बाहर ले लेते हैं, तो के प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस के 8 के प्लस 1, क्या आ गया, डी इज इक्वल टू 4 या के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 के प्लस के माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 के प्लस 8 के स्क्वायर माइनस 32 प्लस के 31 के माइनस 9 के स्क्वायर 4 के माइनस 31 37 के, ठीक है ना. ये कैंसिल हो गया, यहां से 9 बार आ गया, अंदर बचा के स्क्वायर माइनस 3 के. अभी फॉर फंक्शन टू बी, फॉर दिस टू बी परफेक्ट स्क्वायर, इक्वेशन टू बी परफेक्ट स्क्वायर, अगर इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर करना है तो डी मस्ट बी 0, डी की वैल्यू 0 होनी चाहिए. देयरफॉर ये वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर माइनस 36 के इक्वल टू 0, के कॉमन 36 में सॉरी 3 दिया हुआ ना, के माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से दो वैल्यू देंगे, k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 3, ठीक है. ये आ गया हमारे पास, चेक कीजिए बेटा इसको. d मैंने ढंग से निकाला इसको कंप्लीटली, फिर d को 0 कर दिया,
ये है क्वेश्चन, देखिए एल्फा और बीटा जो इसके रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी सच दैट अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, अल्फा माइनस बीटा बता। एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी, बेटा करिए इसको आप खुद एक बार, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो करो करो, शाबाश, और आंसर बताओ जल्दी, चलो वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी करो करके बताइए ये क्वेश्चन। इसके अंदर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो देखेंगे ये आंसर 5 एंड 4 सही से आता है। दिस इज x x माइनस 5 माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 5 x माइनस 4 x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर इसमें अल्फा क्योंकि बड़ा वाला रूट है और बीटा छोटा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 4, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा चेक कर लीजिए। कुछ नहीं करना था, वेक्टराइज करना था और फाइनली आंसर निकाल के जो बड़ा है वो अल्फा है, छोटे वाला बीटा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसमें पिछली स्लाइड देखनी हो जब भी बता दीजिए। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स माइनस टू विद अल्फा ग्रेटर देन बीटा फाइंड अल्फा बाय बीटा, कीजिए इसको भी ट्राई। एक्स स्क्वायर प्लस फोर फोर एक्स प्लस टू एक्स सेवन एक्स माइनस फोर्टीन, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू एक्स माइनस फोर्टीन, याद है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स एटीन इक्वल टू सी, ठीक है। अब इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं, उससे दो रूट आपके पास आ जाएंगे x माइनस सिक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, x माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू थ्री कॉमा सिक्स। इस केस में हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई सिक्स, बीटा की वैल्यू आ गई थ्री, देयरफॉर अल्फा बाय बीटा 6 by 3 equal to कितना है, ठीक है वेरी गुड। द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x प्लस 8 by x x प्लस 2 by 2 क्रॉस मल्टीप्लाई इसको हम करते हैं, ये 2x प्लस 16 x स्क्वायर प्लस 2x
पहले तो ये 2x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस, देयरफॉर रूट्स आर 4 एंड माइनस 4, सम ऑफ रूट्स 4 माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, चेक कर लीजिए आप। If x plus 1/3x equals to 5, find value of 5x divided by 6x square plus 20x plus 1. Yeah. क्वेश्चन नंबर 6 तो क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 6 तो क्लियर है? टिल क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, क्लियर है? सबको क्लियर है ना? सिक्स क्वेश्चन का तो अभी इसमें हम ये देखते हैं, 2x plus 1/3x equals to 5, तो इसको हम LCM लेते हैं, ये हो जाएगा 6x square plus 1/3x तो ये आ गया 6x square plus 1 equal to 15x. Therefore, 5x on 6x square plus 1 plus 20x, है ना? ये मैंने इंटरचेंज किया, 6x square plus 1 इकट्ठा करा, 20x अलग करा, तो ये आ गया 5x upon 6x square plus 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 15x plus 20x, ये आ गया 5x upon 35x, xx cancel, this is 1/7, ये आंसर आ गया। चेक कर लीजिए, सिंपल था, 2x plus 1/3x 5 था, मैंने LCM लिया, 6x square plus 1/3x आ गया equal to 5, 6x square plus 1 is equal to 15x, तो यहाँ से 6x square plus 1 की वैल्यू डाल दी 15x, 15x plus 20x, 35x, xx cancel 1/7, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ रूट 42 प्लस 42 प्लस 42 टिल इंफिनिटी इज इक्वल टू
D3, इसको सब देख लीजिए ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करना है। हम x से स्टार्ट करते हैं इसको, 42 प्लस ऐसे चल रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो आप इसको ऐसे देखेंगे, x इक्वल टू क्या है, √42। तो जो ये टर्म है एक 42 के बाद √42, ये सारी टर्म मैं x के बराबर लिख देता हूँ क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर मैं एक हटा दूंगा उसमें से टर्म तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये √42 के बाद जहां से भी ये स्टार्ट था, जैसे x इज इक्वल टू था √42 प्लस समथिंग, जहां से भी स्टार्ट है की जगह मैं x लिख देता हूँ। अब ये स्क्वायरिंग कर देते हैं, 42 प्लस x, x² - x - 42 = 0, ये आ जाएगा x² - 7x + 6x - 42 = 0। x आ गया कॉमन, x - 7 + 6, x - 7 = 0, x + 6, x - 7 = 0। हमारे पास दो आंसर आए, एक -6 एंड x = 7। तो रिजेक्टिंग नेगेटिव बाय -6 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि जो सम है ये सारा, ये पॉजिटिव टर्म्स का सम है, तो पॉजिटिव टर्म्स जो है फाइनली पॉजिटिव आंसर देंगी, तो हमें x = 7 की आंसर लिखना है। फाइनल आंसर इज दिस, रिमेंबर दिस थिंग, दोबारा देख लीजिए अगर कुछ क्लियर नहीं है। एक स्टेप की प्रॉब्लम होती है और एक स्टेप की भी होती है। द वैल्यू ऑफ सॉल्व करने का तरीका सेम ही है, लेट करके स्टार्ट होता है, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने यहां पर किया था, कि हमने एक्स इज इक्वल टू √42 था, तो √42 जहां भी अंदर नेक्स्ट स्टार्ट होगा उसकी जगह पे एक्स लिख दिया, देयरफॉर ये एक्स इज इक्वल टू √42। उसके बाद जहां पर भी था मतलब ये पूरी टर्म मैं एक्स लिख सकता हूँ, स्क्वायरिंग x² = 42x, ये x² - 42x = 0, एक x कॉमन ले लेते हैं, x - 42, क्योंकि x 0 तो है नहीं, देयरफॉर x = 42 आ गया। ऐसे केसेस में हमेशा आंसर सेम है, मतलब अगर कभी मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें रूट में कोई भी टर्म है, ऐसे पी जो भी टर्म है इंफिनिटी तक, तो इसका आंसर है पी, ठीक है, इसका आंसर 42 है, सेम ऐसे रिपीट हो रही है रूट के अंदर टिल इंफिनिटी होना चाहिए तब आंसर पी है। इसका कुछ कह नहीं सकते, सॉल्व करना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव आंसर लेना है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, इसमें आगे बढ़े, अगर आपको कोई पिछली स्लाइड देखनी हो तो बता दीजिएगा। रूट्स ऑफ x²/2y³ प्लस x³/3 -2 = 0 आर,
आगे लेट एक्स वन बाय थ्री इक्वल टू टी, देयरफॉर एक्स टू बाय थ्री इक्वल टू टी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग हो गई ना, देयरफॉर रूट्स निकालना है इसके, टी स्क्वायर टू टी माइनस टी माइनस टू इक्वल टू जीरो. t equal to 1, t equal to minus 2. Therefore, t x 1 by 3 hai, x ki power 1 by 3 equal to 1. And x ki power 1 by 3 equal to minus 2. Iske cube karenge, cubing. x hai 1, x hai minus 2 ka cube, minus 8. x is equal to 1 and x is equal to minus 8. ये तो आंसर आ जाएगा. चेक कर लीजिए इसे. ये देखो बेटा क्या किया है, x की पावर 1 बाय 3 थी, इसको मैंने वैल्यू ली इसकी x की पावर 1 बाय 3 को t, फिर किया स्क्वायर स्क्वायरिंग. जैसे स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 1 बाय 3 का स्क्वायर जो आएगा तो x की पावर 2 बाय 3 हो जाएगा, इस तरफ t स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायरिंग करने से, है ना. जैसे स्क्वायरिंग करूंगा मैं तो ऐसे आप देख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं इसको. स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा x 1 बाय 3 पावर में, है ना, इसका स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टी स्क्वायर. इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं, ये t इज इक्वल टू 1 है तो x 1 बाय 3 इज इक्वल टू 1 आ गया, x 1 बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया. क्यूब करेंगे ये बनेगा, ठीक है. ए और बी जो है, ए सॉल्वड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाइल सॉल्विंग इट ए मेड अ मिस्टेक इन कांस्टेंट टर्म एंड ऑब्टेन द रूट्स एज 5, -3.
while b made a mistake in coefficient of x and obtained the roots as this. So correct roots kya hai, let equation b, correct equation jo thi x square plus this is px plus q equal to 0. ठीक है, अब जब a सॉल्व कर रहा था फ्रॉम a, ही मेड अ मिस्टेक इन कॉन्स्टेंट टर्म, उसने कॉन्स्टेंट टर्म को कुछ और ले लिया, c ले लिया, जैसे q था c ले लिया और रूट्स निकाले 5 एंड माइनस 3. प्रोडक्ट गलत है, सम तो ठीक ही है, सम ऑफ रूट्स है 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस p, p की वैल्यू आ जाती है माइनस 2. From B, made a mistake in coefficient of x. यहाँ उसने कुछ और ले लिया Rx plus Q. जो original चीजें हैं वो P और Q है. यहाँ से P आया, यहाँ constant term हट गई, इधर से Q आया. इसके अंदर हमारे पास था 1 and minus 3. तो product Q है 1 into minus 3. Minus 3. P और Q आ गया. Therefore, original equation आ गई हमारे पास. ओरिजिनल इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. ठीक है, तो सम आएगा 2, प्रोडक्ट आएगा माइनस 3. सम 2 प्रोडक्ट माइनस 3 ये है, और सॉल्व भी कर सकते हैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से. दोबारा चेक कीजिए इस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे लेवल का. A and B are two persons. They are solving a quadratic equation. While solving, देखिए ये थी original equation x square plus px plus q. P और q find करने हैं. जब A solve कर रहा है तो उसने ये constant term गलत ले ली, कुछ और wrong c. और roots निकाले 5/4 minus 3. तो अब इसमें p तो ठीक ही था, sum of roots तो ठीक ही आएगा. 5 minus 3 is minus p. P आ गया minus 2. फिर बी ने सॉल्व किया, उसने कॉन्स्टेंट टर्म गलत ले ली, क्यूब की जगह सॉरी उसने कोफिशिएंट ऑफ एक्स गलत ले लिया, स्क्वायर ले लिया, गलत कुछ और ले लिया, और हमारे पास आ गया 1 एंड माइनस 3. अब की बार क्यू सही है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्यू आ जाएगा माइनस 3. तो ओरिजिनल इक्वेशन में पी और यू डाले तो ये ओरिजिनल इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू माइनस 1.3 आ जाएगा. चेक आप कर सकते हैं इसको. क्लियर हुआ बेटा, ये आगे बढ़े. चेक कर लीजिए इसको. इफ अल्फा कॉमा बीटा आर roots of equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then value of alpha square plus beta square is equal to by 4a two a
अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाय ए प्रोडक्ट सी बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो ये आ गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर टू सी बाय ए बी स्क्वायर माइनस टू सी ए। प्लीज चेक आई थिंक ये वाला तो क्लियर ही होगा आपको। ट्वेल्थ क्वेश्चन अल्फा बीटा दो रूट्स है, सम निकाला प्रोडक्ट निकाला, ये हमें पता करना है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ठीक है, इसको करते हैं आप। जाते हैं एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बी माइनस ए ऑन x प्लस ए x प्लस सी बी माइनस ए x प्लस बी माइनस ए सी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी implies x square plus a plus b minus b plus ax plus ab minus bc plus a equal to 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी x square plus 2ax plus ab minus bc plus ca equal to 0। इसके अंदर उसने बोला है product of the roots is जीरो। सम ऑफ रूट है माइनस टू ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये है ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए, दिस इज जीरो। देयरफॉर ए बी प्लस सी ए इक्वल टू बी सी। यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी बी सी बाय बी प्लस सी। Therefore, alpha plus beta sum minus 2bc by b plus c
ठीक है, ये आ गया, देख लीजिए आप इसको, चेक कीजिए पूरा बेटा इसको। अरे चेक कीजिए, 1 बाय x प्लस है माइनस 1 बाय x प्लस b इज़ टू 1 बाय x प्लस c, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 0 देन सम ऑफ रूट्स, तो 1 बाय x प्लस है माइनस 1 बाय x प्लस b इज़ टू 1 बाय x प्लस c। यहां हम ऐसे इसको एलसीएम लेते हैं, x प्लस b माइनस x प्लस a, नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इस टाइप से आएगा, इसको b माइनस a को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, b माइनस ax प्लस b माइनस ac, इधर इसको भी ओपन कर लिया हमने, फिर इसको उठा के इस तरफ लेके आते हैं, x स्क्वायर प्लस a प्लस b माइनस b प्लस a, और इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस bc प्लस ac हो गया। तो ये सॉल्व करके सम ऑफ रूट आ गया माइनस टू, प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट जीरो है, ab प्लस ca इज इक्वल टू bc आ गया, यहाँ से a की वैल्यू आ गई bc बाय b प्लस c सम माइनस टू ए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस टू बी सी बाई बी प्लस, चेक कर लीजिए इसको, आगे बढ़े। On evaluating 20 plus 1 by 20 plus 1 by 20 plus we get, उसको बताना अभी क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब ये होता है ये इंफिनिटी तक जाएगा ऐसे, देखिए x जो है उसको मैं ऐसे रखता हूँ 20 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस, तो अब एक बात का ध्यान रखिए इसमें भी x के सामने क्या आ रहा है 20 प्लस, तो जहां पर भी आपको 20 प्लस नजर आए उस टर्म को आप सारा x लिख सकते हैं 20 प्लस ये 1 बाय x, तो सॉल्व करते हैं 20 x प्लस 1 बाय x, x square is equal to 20x plus 1, x square minus 20x minus 1 equal to 0, x equal to minus b plus minus b square 4ac, 20 plus minus 404, ये आ गया x इक्वल टू 20 प्लस माइनस 4 इनटू 101, 20 प्लस माइनस 2101 बाय 2, n प्लस माइनस कैंसिल हो गया 101, ठीक है, रिजेक्टिंग नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट करते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस, क्योंकि ऐसे में सब जब सब ऐड हो रहा है तो आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, नेगेटिव आंसर रिजेक्ट करेंगे, प्लस वाला आंसर है 10 प्लस में 101, चेक कीजिए बेटा सब, देखिए क्या तरीका है सॉल्व करने का इसको।
हाँ जी, इसमें तरीका देखो बेटा क्या है करने का, जब भी ऐसे इंफिनिटी तक आए, ऐसे भी देखो पीछे आया था ना, जो इंफिनिटी वाला क्वेश्चन था, ऐसे हमने क्या किया था, इसको इक्वेट किया x से, फिर x इज इक्वल टू रूट 42, तो रूट 42 जहां नजर आए फर्स्ट स्टेप के बाद, ये था जहां नजर आ रहा है उससे आगे का टोटल टर्म आप x ले लीजिए ना। अगर मैं इसको हाइड कर दूं पूरे को, जो ये पहला वाला पोर्शन है, तो ये भी तो x नजर आ रहा है ना, तो x लिखना है ऐसे, क्योंकि अगर मैं एक टर्म खत्म कर दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा x की वैल्यू पे। वैसे ही मैंने यहाँ पर किया, इसको x लिया, इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो x के सामने क्या इक्वल टू 20 प्लस 1 बाय, जहां भी आपको फर्स्ट टर्म को छोड़ के 20 प्लस 1 बाय ऐसे करके नजर आ रहा है, उस पूरे को x रख दीजिए, जो सिमिलर बन रहा है x के, यही नजर आ रहा है, इसको मुझे x रखना है, फिर इसको सॉल्व करना है, एलसीएम, फिर x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सॉल्व करेंगे, उसमें से नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर दी, क्योंकि सम हो रहा है प्लस प्लस प्लस, सारा नेगेटिव आंसर तो आ ही नहीं सकता, x इज इक्वल टू 10 प्लस रूट 101 का आंसर। ठीक है, देख लीजिए बेटा, और किसी को भी पूछना है तो। ये सारे क्वेश्चन जो आज हम कर रहे हैं, ये अच्छे क्वेश्चन में आते हैं, मुश्किल क्वेश्चन है, मतलब इनको अगर हम करके रखते हैं काफी, मतलब अगर हमें ये क्लियर है तो मतलब चैप्टर काफी अच्छे से हुआ हुआ बना। ठीक है ना, करिए ट्राई कीजिए इसको, 15 क्वेश्चन को आप लोग। यानी वो 2x प्लस x प्लस p x प्लस q 1 बाय r। ठीक है, एलसीएम लिया है, ये बनता है 2x प्लस p प्लस q r इक्वल टू x प्लस p x प्लस q। x square plus p plus q r x square plus p plus q x plus pq minus p plus q r। देखिए बेटा, एलसीएम लिया, x प्लस क्यू एक्स प्लस पी, 2x प्लस पी प्लस अपॉन x प्लस पी एक्स प्लस क्यू 1 बाय आर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2x प्लस पी प्लस क्यू इंटू आर, इसको उधर इसको इधर, x प्लस पी एक्स प्लस क्यू, सर ओपन कर लिया, या क्या ये यहाँ क्या बोल रही है, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, इसका मतलब ये है इसके रूट्स एक के हैं अल्फा, एक का है माइनस अल्फा, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन ऑपोजिट है, तो सम क्या आ गया इसका, जीरो। वैसे सम क्या होता है, पी प्लस क्यू माइनस टू आर, देयरफॉर पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आर, ये पूछा हुआ है पी प्लस क्यू। ठीक है, देखिए
लिख लीजिए इसको। ठीक है बेटा, बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे इससे।